इलेक्शंस की वजह से और कोई दो स्टेट में खलबली मचे या ना मचे, पर दिल्ली और वेस्ट बंगाल में आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज ऐसी होती है जो खूब सुर्खियां बटोर लेती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोनों स्टेट ही अपोजिशन पार्टीज द्वारा रन होते हैं। जहां दिल्ली में सेंट्रल एजेंसीज का काफी कहर है ये देखते हुए कि ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है, पर वहीं दूसरी ओर वेस्ट बंगाल में सेंट्रल एजेंसीज की हालत बहुत ही खराब रहती है, जिसकी वजह से आए दिन उन्हें कोर्ट्स का रुख करना पड़ता है। इसलिए भी क्योंकि ना ही सरकार या सरकारी पुलिस उन्हें सपोर्ट करती है। एक ऐसा ही केस जब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा तो वे वेस्ट बंगाल पुलिस और उसकी गवर्नमेंट की हरकतें देखकर खूब आग बबूला हो गए और जस्टिसेस जॉय माल्या बख्शी और गौरंग कांत की बेंच ने तो खूब खरी खोटी सुना दी है। असल में मामले की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के फेमस स्कैम टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से, और स्कैम में भी रूलिंग पार्टी टीएमसी के कई नेता जेल में बंद है, जिसमें फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी एमएलएस मानिक भट्टाचार्य, जीबान कृष्णा साहा अलोंग विद सस्पेंडेड टीएमसी लीडर्स लाइक शांतनु कुंदू और कुंतल घोष हैं। इस केस को सीबीआई और ईडी को सौंपा गया है कोलकाता पुलिस की देरी और लापरवाह एटीट्यूड को देखकर। हालांकि इस केस में अब वेस्ट बंगाल सरकार भी सेंट्रल एजेंसीज को कोऑपरेट करने से पीछे हटती हुई दिख रही है। कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच ने ऑब्जर्व किया कि उनके एक पिछले ऑर्डर के बावजूद जिसमें उन्होंने स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी बीपी गोपालिका को ये कहा था कि वे एक रिपोर्ट सबमिट करके एक फिक्स टाइम में सीबीआई को परमिशन दे ताकि वे स्कैम में अक्यूज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू कर सके, पर गोपालिका ने ऐसा नहीं किया और उल्टा कोर्ट से कुछ और समय की मांग की इलेक्शंस का हवाला देते हुए। ये सुनकर तो बेंच भड़क गई कि भला ऐसे कैसे एक स्टेट के फंक्शनिंग में इलेक्शंस दिक्कतें पैदा कर सकता है, और फटकारते हुए कहा, How can general elections stand in the way of administration of criminal justice? Have you stopped registering FIRs or have you stopped investigating crimes? सिर्फ यही नहीं, बेंच ने तो कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट को भी खूब फटकार दिया कि भला वे कैसे इस केस के अक्यूज्ड को फेवर कर रहे हैं, एंड स्टेटेड, At least the state of West Bengal shall not stand up for this sort of indifference. These accused may be officers or former ministers of some party. It does not matter. We all need to uphold the rule of law and everyone has to be made accountable for their deeds. Bench ne wapas se state chief secretary Gopalika ko phatkarte hue keh diya ki unhone is case mein apna dimag hi nahi lagaya hai aur mamle ko kafi delay kar diya. Bench stated, We are left to wonder why the highest civil servant of the state has not discharged his bounden statutory duties in a prompt manner, resulting in an undesirable hiatus to the progress of the prosecution. In cases involving deep-rooted corruption in the high offices of the state. उन्हें समझाते हुए बेंच ने कहा कि इस मामले में उन्हें एक इंडिपेंडेंट फैसला देना काफी जरूरी है, इसके बावजूद भी कि उन्हें या तो स्टेट गवर्नमेंट फोर्स कर रही है या स्कैम के लोग, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। इस बारे में स्टेट करते हुए बेंच ने कहा, द चीफ सेक्रेटरी हैज टू टेक दिस डिसीजन इंडिपेंडेंटली इवन इफ हिज डिसीजन मेक्स हिम अनपॉपुलर टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दिस इज हिज ड्यूटी। एवरीवन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू टेक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एंड परहैप्स पैलेटेबल डिसीजंस, दैट इज द रूल ऑफ लॉ। कोर्ट इस बात से भी काफी परेशान दिखी कि सीबीआई ऑफिसर्स जिन्होंने इतनी मेहनत से टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में जांच की है और अक्यूज्ड की लिस्ट बनाई है, बस इस वजह से रुकी हुई है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी उन्हें अपनी परमिशन नहीं दे रहे हैं, और ऐसा होना काफी गलत है। इस बारे में बेंच ने सेक्रेटरी को समझाते हुए कहा कि वे सीबीआई को इंतजार नहीं करवा सकते, एंड स्टेटेड, टुडे वी फील इफ दिस इज द सिचुएशन हाउ फार इज वेस्ट बंगाल अ न्यूट्रल फील्ड फॉर ट्रायल्स, दिस इज समथिंग व्हिच इवन द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज नीड टू कंसिडर, इफ दिस इज अ सर्कमस्टेंस इन व्हिच अ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हैज टू प्रोसिक्यूट, विल द एजेंसी बी एबल टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बेंच ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि सिर्फ इसी स्कैम के केसेस में इतना डिले देखने को मिला है जो कि स्टेट के ऊपर एक शक पैदा कर देता है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि एक समय था जब इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को भी खूब फटकार लगाई है लेट जांच करने के लिए, पर जब उन्होंने स्पीड पकड़ ली है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस केस में स्लो नजर आ रही है। पर ध्यान देने की सख्त जरूरत ये है कि ये पहला केस नहीं है जहां सेंट्रल एजेंसी को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी है। अभी हाल ही में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक केस के सिलसिले में दो अक्यूज्ड को पूछताछ के लिए पिक करने गए थे, पर उन पे उल्टा हमला हो गया। जी हां, आपने सही सुना, और ये दो अक्यूज्ड और कोई नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी से जुड़े थे एंड वर मनुव्रता जना एंड बलाय चरण माइती। द सेंट्रल एजेंसी हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग अ 2022 केस इन्वॉल्विंग ब्लास्ट विच अकर्ड इन भुपति नगर ईस्ट मिदनापुर। जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस केस के सिलसिले में जांच करने पहुंची तो उन पे हमला हो गया लोकल रेसिडेंट्स द्वारा, जहां उनकी गाड़ी के साथ साथ एक ऑफिसर भी इंजर्ड हो चुका है। इस मामले के बाद एनआईए ने लोकल पुलिस में कंप्लेन फाइल की थी, हालांकि उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
और वहीं ये बात सामने आ रही है कि पुलिस ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की केस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने तुरंत से एक मोलेस्टेशन की केस की जांच शुरू कर दी है जो कि अक्यूज्ड की फैमिलीज द्वारा NIA पे लगाया जा रहा है। ये सब देखकर तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काफी गुस्सा हो गई है, जिसकी वजह से ही उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। द केस इज टू बी हर्ड बाय अ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस जय सेन गुप्ता। इस मामले से तो आपको एक और इंसिडेंट का ध्यान आता ही होगा, जिसमें अभी हाल ही में TMC लीडर शेख शाहजहां अरेस्ट हुए थे। तो आपको याद दिला दे कि एक मल्टी करोड़ राशन स्कैम की जांच करने के लिए ED TMC नाउ सस्पेंडेड लीडर शेख शाहजहां के घर पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए। हालांकि शेख शाहजहां कहीं मिले तो नहीं, पर उल्टा ED पर ही लोकल लोगों ने मिलकर हमला कर दिया था और मामला इतना संगीन हो गया था कि ED के कई ऑफिसर्स घायल हो गए थे। इसके बाद तो इस केस में मामला बड़ा ट्विस्टेड हो गया जब शाहजहां भाग गए और कोई एजेंसी उन्हें पकड़ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जिसकी कुछ समय बाद कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर कोलकाता पुलिस ने उन्हें आखिरकार जेल में बंद कर दिया। लेकिन ये साफ तो दिखा था कि कोलकाता पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज में तालमेल नहीं बैठा है, क्योंकि अब तक कई मौकों पर पुलिस सेंट्रल एजेंसीज को बचाने में सफल नहीं रही है। हालांकि अभी हाल ही में हुई कोलकाता हाईकोर्ट की एक हियरिंग में इस बात को गलत बताते हुए एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने चीफ जस्टिस TS शिवगनम को बताया था कि जब ED शाहजहां शेख के घर रेड करने आई थी और जब ED के मेंबर्स पर हाथ उठ गए थे तो स्ट्रीट पुलिस ही ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। हालांकि ED की ओर से मौजूद DSG धीरज त्रिवेदी ने AG के समिशन सुनकर कहा कि स्ट्रीट पुलिस की वजह से ही फर्स्ट प्लेस में मुसीबतें हुई थी, क्योंकि उन्होंने रोड ब्लॉक करके सेंट्रल एजेंसीज की मुसीबतें और बढ़ा दी थी। एंड स्टेटेड, वी डिडंट स्टार्ट द फायर, इट वाज ऑलवेज बर्निंग सिंस द वर्ल्ड वाज टर्निंग, द स्ट्रीट हैज नॉट लेट अस फंक्शन इन द स्टेट।